हेलो छात्रों, तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं परीक्षा जो कि होने वाली है आप लोग की 28 मार्च को, इतिहास का पेपर जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में देखने को मिल जाएगा। बच्चों, मैं आप लोग को इसका सेट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ें, ठीक है, ताकि आप लोग इसको IMP क्वेश्चन समझ के रीड करें, ठीक है। देन आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके देन आपको घंटा जरूर दबा देना है ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए फिर आपका आगे का वीडियो देख लेते हैं। देन बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ निर्देश इसी तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए इंस्ट्रक्शंस है कुछ। यहाँ पे आपको कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनने के लिए मिल जाएगा। देन आपका नीएंडरथल मानव के अवशेष पाए गए हैं, तो कहाँ पाए गए हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर स्पेन में, ठीक है, आपको बताना है। लेखन कला का आविष्कार हुआ था तो कहाँ हुआ था, आपको बताना है, ठीक है, रोमनों में, मिस्रियों में, मेसोपोटामिया में, यूनानियों में। रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, यूनानी, स्पेनिश, लैटिन या फिर अंग्रेजी, आपको बताना है, ठीक है। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी क्या थी, दमिश्क, बगदाद, मक्का, मदीना, ठीक है। चंगेज खान का मूल नाम तैमोजीन कुबलई खान या फिर हलाकू या फिर मंगू, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे आपको लिए आ जाता है। मानव के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पूर्वी अफ्रीका या फिर पूर्वी यूरोप से। उरुकमारी नगरों का संबंध कहाँ से है, रोमानिया या फिर मेसोपोटामिया। मियन पवित्र काबा में स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको बताना है, मक्का या फिर मदीना। रेनेसा भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। माचू पिच्चू का संबंध है किस इनका सभ्यता या फिर किसी और सभ्यता, मैं एक सभ्यता से, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम वाले छात्रों के लिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम वाले छात्रों के लिए। अगला देख लेते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सही जोड़ी, ठीक है, सही जोड़ी, मैच द कॉलम्स, ठीक है, मैच द कॉलम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देन अगला यहाँ पे आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर देखने को मिलेगा, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था में नाइटी कौन थी, भाप की शक्ति की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, कैनबरा का क्या अर्थ है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, होमिनिड की दो विशेषताएं बताइए, गिव टू कैरेक्टरिस्ट ऑफ होमिनिड्स, अल्टामीरा की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं, इस्लाम के लिए मक्का का क्या महत्व है, खलीफा से आप क्या समझते हैं, प्रथम खलीफा के नाम बताइए, सामंतवाद से क्या तात्पर्य है, सामंती व्यवस्था में सर्कफ कौन थे, मूल्यवाचक विस्थापन से क्या अभिप्राय है, या एवोरी दिनीज कौन थे, किलाकार लिपि की कोई तीन विशेषताएं लिखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब्बासी क्रांति से क्या आशय है, अब्बासी क्रांति से क्या आशय है, ठीक है। धर्मयुद्ध क्या था, इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, बताना है आपको। उन कार्डों का वर्णन कीजिए जिनमें से 15वीं सदी में यूरोपीय खोज यात्राओं को सहायता मिली, डोना मेनेरा कौन थी, स्पेनिश विजय में उनका क्या योगदान था, गोल्ड रश क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास में इसने क्या सहायता की दी, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर से क्या तात्पर्य है, पुरापाषाण काल में भोजन प्राप्ति के साधनों का वर्णन करना है, आधुनिक सभ्यता आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित विस्थापन मॉडल का वर्णन करना है, मंगोलों के सैनिक संगठन का वर्णन, यास की अवधारणा को स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चीनी प्रणाली का वर्णन करना है, मेजी पुनर्स्थापना से क्या तात्पर्य है, जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य है, मध्यकाल में यूरोप के अंधकार काल के युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए विश्व मानचित्र में यहाँ पे आपको इन स्थानों को दर्शाना है, रोम, इराक, पेरू, मक्का, ठीक है।
अगला देखते हैं छात्रों, दिए गए विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है, स्पेन, फ्रांस, ब्राजील, इंका साम्राज्य। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको बताएंगे लास्ट क्वेश्चन, अभी 19 है आपको, ठीक है 18 है। मेसोपोटामिया में शहरी विकास के वर्णन करना है, मेसोपोटामिया में कला और विज्ञान के विकास का वर्णन करना है, रोमन गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। ठीक है, रोमन दास प्रथा का वर्णन करना है, रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी है आपको बताना है। ठीक है, देन आपका अगला रहेगा यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन करना है, मानववादी विचारधारा की विशेषता बताना है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक एवं परिणामों आर्थिक परिणाम बताना है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखना है तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखा हो तो। देन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।